हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज दिन की शुरुआत हो गई है और आज है 22 तारीख और आज मेरी सासू माँ का श्राद्ध है पारस का। तो चलिए सुबह सुबह शुरू कर देते हैं श्राद्ध की तैयारी, पूजा करनी है। तो मैं बना रही हूँ अभी, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या बना रही हूँ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ खीर। आज खीर पूरी श्राद्ध के लिए हमने बनाया है और साथ में आलू की सूखी भाजी भी बना लूंगी मैं। ये मेरी खीर अभी तक बन रही है। यहाँ पे आटा भी मैंने गूंद के रखा है पूरी के लिए, थोड़ी देर में मैं बनाती हूँ। खीर में मैंने इलायची पाउडर और केसर मिक्स करके डाल दिया है। अभी और थोड़ी देर में पकाऊंगी इसको, उसके बाद बादाम डालूंगी, शक्कर, दूध, राइस मैंने सब पहले ही डाल दिया था। तो आज खीर की तैयारी हो रही है और मेरी वाइफ बादाम काट रही है। ये देखिए दोस्तों, खीर कैसी बढ़िया सी पक गई है। खीर पूरी बनाने वाली है, खीर पूरी। हमारी मैडम हंस रही है। आज क्या है तो खीर पूरी बना रही हो? आपको नहीं पता? तुम आज तो बोलो। हमारी सासू माँ का श्राद्ध है पारस का, इसलिए हम लोग बना रहे खीर पूरी। मेरी मम्मी का श्राद्ध है। तो फ्रेंड्स, मैं मंदिर में गया था, वो थोड़ा सीधा देना था मेरे मम्मी का, तो वो सीधा देके मैं आ गया हूँ। आज बारस, मतलब तिथि है, आज बारस है। मेरी मम्मी की जो तिथि है ना, वो आज है, तो वो मैं सीधा देने गया था। तो महाराज ने आप बराबर पूजा करी ना? महाराज ने बढ़िया तरीके से पूजा कर दी, मतलब एकदम सही तरीके से। मम्मी का सब नाम वगैरह लिया, ये वो, सारे पितरों का मतलब सबको आ जावे ऐसा कुछ मंत्र महाराज ने पढ़े। ये बादाम खीर के अंदर जा चुकी है, बहुत ही प्यारा नजारा, बादाम वाली खीर। मैं केसर भी थोड़ी नाथ दे देता हूँ। केसर दिख रहा है, केसर का पीलापन दूध में दिख रहा है। चलो अब हम पूरी बनाओ ना, तू फ्राई करिस। हाँ, अभी पूरी बनाने का है तो मैं वो बेलते जाएगी और मैं फ्राई करते जाऊंगा। ये पहली बार मेरे से पूरी फूली है। अब ये दोनों पूरी को एक साथ में निकाल लेता हूँ। एक पूरी का बाप है, एक पूरी का बेटा है। एक पूरी फुलती नहीं है तो दूसरी अंदर डुबकी मार लेती है। स्लोली स्लोली मैडम डालिए, मैं प्रोफेशनल पूरी वाला नहीं हूँ। तो एक 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 थाक्सु तो रात पर से अपन पूरी बनाऊंगा। तो आप दो तलिए, 10-12 पूरी एक साथ निकालने के लिए वो बड़ा चलना चाहिए, वो डीप आता है ना, वो चाहिए। डालिए डालिए, दो दो तीन तीन एक साथ कर दीजिए ना। Thank you.
ये आ गया दिव्या। दिव्या चलो दादी ने पगे पड़ी ले। ये सीटू कब से दादी के पास बैठी थी, जो खीर पूरी रखी है ना, उसकी आशा में कि मुझे कुछ मिलेगा। सीटू बेसिया सीट आओ, बेसिया सीट आ सीट सीटो खीर पूरी का बीच दिव्या आ गया है। खाना खाने के लिए ये देखिए खीर बनाई है, आलू की सब्जी और पूरी पूरी। और दिव्या का हो गया स्टार्ट। दिव्या क्या बनी है जमी मना, और हस्बैंड भी खा रहे हैं। कैसे बनाए खीर पूरी सब्जी? औसम। और बीच में इन दोनों के बीच में देखिए सीटुड़ी को कहाँ से मिलता है खाने के लिए देखो। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग एंजॉय करते हैं हमारा दोपहर का लंच। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आज मेरी मम्मी का श्राद्ध था तो वो सब मतलब उसका कार्य किया। और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल नए व्लॉग में। आज हस्बैंड थोड़े इमोशनल हो गए क्योंकि 15 साल हो गया मेरी सास को, तो उसको थोड़ा आज के दिन थोड़ी सी नहीं रोज ही याद करते हैं, पर आज ज्यादा याद आ गए। तो कल नए व्लॉग में मिलते हैं। चलिए दोस्तों बाय। तो प्लीज लाइक करिए हमारे इस व्लॉग को, वीआर के फैमिली को, और बहुत ही सब्सक्राइब कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय, गुड नाइट।